From .net. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MIUI है, मी वाई ट्वेल्व का आपके मीलेवन एक्सोको एफ थ्री भी बोलते हैं उसके लिए रिलीज हो चुका है मिलते है हैं और उसमें काफी सारे ब्लॉडवेयर भी आपको मिलते आप हैं तो फाइनली है, और जो नया बिल्ड जो है वो है मी वाई बी एन का रोमल्वॉइट फाइव फाइव पॉइंट जीरो जिसको हमने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है जो कि आपको एंड्रॉयड 11 और फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021 के सिक्योरिटी के पैच के साथ यहाँ पे देखने को मिला नो डाउट ये इन्हेंस वर्जन है तो परफॉर्मेंस बेटर होगी ही साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉड्स भी इसके अंदर देखने को मिले हैं जो कि आपको अपनी फोन की सेटिंग्स में जाए तो आपको एडवांस सेटिंग्स में कुछ एक्स्ट्रा मॉड्स जो है यहाँ पे डेवलपर ने प्रोवाइड किए हैं सारा का सारा जो क्रेडिट है इनके डेवलपर को जाता है जो वियतनाम के डेवलपर है जिन्होंने इस रोम को आपके मी एलेवन फोन के लिए क्रिएट किया है आप डिस्प्ले एंड कंट्रोल सेंटर में जाएं तो आप डिस्प्ले एंड कंट्रोल सेंटर में आप जो इनकी स्विच लाइन्स वगैरह होती हैं वेदर्स वगैरह डिस्क्रिप्शन इन सब को यहाँ से इनेबल करके उनको अपने डिस्प्ले कंट्रोल सेंटर में इनेबल कर सकते हैं जो अच्छी चीजें हैं आपको अंदर देखने को मिलती हैं कि आपको स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क के यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं स्टेटस बार में जो है आप इसके जो स्टेटस बार ऊपर देख पा रहे होंगे इनको कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर पाते हैं आपको इस टाइम पे यहाँ पे स्टेटस बार स्टाइल डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है अगर हम स्टाइल वन पे करते हैं तो अगर आप देख पाएंगे तो आपका जो स्टेटस बार है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है उसी तरीके से हम स्टाइल टू पे करते हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे जो स्टेटस बार है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो गए तो और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको जैसे ग्राफिकल इंडिकेटर बैटरी आइकन कलर बैटरी इंडिकेटर कस्टमाइजिंग परसेंटेज इनको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं कलर बैटरी इंडिकेटर्स को आप यहाँ पे यूज करके उनके कलर्स को यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको स्टेटस बार में प्रोवाइड किए गए हैं होम स्क्रीन में भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे एडवांस रिबूट मेनू आपको इसमें देखने को मिला है इसमें कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं हम यहाँ पे मीओवाई थर्टीन के जो ऑप्शन हैं उनको यूज कर रहे हैं काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं देख पा रहे होंगे क्या आप जो भी पावर मैनू आपको पसंद है आपको डिफॉल्ट चाहिए तो आप डिफॉल्ट को रख सकते हैं जिसमें आपको रिकवरी मोड फास्ट बूट रीबूट शट डाउन एयरप्लेन और साइलेंट मोड यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो ये सब चीजें आप होम स्क्रीन में जाके इसके पावर मैनूम यहाँ पे कर सकते हैं आप अपने आइकन्स में शेडो इफेक्ट उनके लेबल्स को रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं फोल्डर्स में फोल्डर्स की जो अलाइनमेंट है उनको आप चेंज कर सकते हैं ये कुछ एडवांस फीचर्स आपको यहाँ पे इसकी होम स्क्रीन के ऑप्शन में देखने को मिलते हैं फोन इन कॉन्टेक्ट में भी आप इनके बटंस को अपीयरेंस के चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का बटन लेआउट चाहिए बैकग्राउंड किस तरीके चाहिए आपकी फोटो इमेज चाहिए या वॉलपेपर चाहिए या डिफॉल्ट उन सब चीजों को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अब काफी लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अगर ये वी का रोम है और इनहेस्ड वर्जन पर बेस्ड है तो इसका बेंच मार्क स्कोर क्या होगा तो मैं बेंच मार्क स्कोर आपको दिखा देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बेंच मार्क स्कोर जो है इस रोम को हमारी मी इलेवन एक्स फोन के ऊपर देखने को मिला है। तो मिलता है सिक्स सिक्स एट फोर थ्री थ्री जो कि एक एवरेज स्कोर है हमारे फोन के लिए अगर सीप्यू थ्रॉडलिंग की बात की जाए तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आई है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं तो ये देखिए जो रिजल्ट निकल के आया है वो बिल्कुल जो है एवरेज जो है आपको अराउंड जो है एट्टी के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिला जो कि काफी अच्छा रिजल्ट जो है इस रोम ने आपके मी एलेवन एक्स फोन के ऊपर प्रोवाइड किया है इवन गैलरी में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे क्लिप वीडियो एडिटर मैजिक टूल आर्ट और वीडियो वीडियो इफेक्ट्स एंड में आपको जो है स्टाइलिंग पिक्चर और डॉलबी एटमोस का सपोर्ट मिलता है पिक्चर में आप जो है इसके अंदर कुछ पिक्चर्स को इनहेंस कर सकते हैं वो चीजें भी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं ऊपर से आपको जो लेटेस्ट जो मीवाई थर्टीन के अंदर आपको जो टूल बॉक्स मिलना है वही आपको यहाँ पे देखने को मिला है और लेटेस्ट ग्राफिक्स जो है आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज के यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एक और चीज जो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलती है वो मिलती है आपको डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले में जैसा कि आप लोग जानते हैं आपको रिफ्रेश रेट के दो तो ही ऑप्शन मिलते हैं बट आपको इसके अंदर जो है डेवलपमेंट वन ट्वेंटी हर्ट्स नाइन्टी हर्ट्स और सिक्सटी हर्ट्स ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं तो ये भी एक अच्छा फीचर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आप कलर स्कीम के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको रीडिंग मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको ए आई इमेज इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसको आप इजिली यहाँ से यूज कर सकते हैं इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे एच डी और एम के भी ये कुछ चीजें भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है इवन जो साउंड एंड टच है उसके अंदर जो है आपको लेटेस्ट जो टोन्स होती हैं नेचर मिक्स की वो भी आपको डेवलपर ने यहाँ पे प्रोवाइड की है डॉल्बी का सपोर्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है साउंड इफेक्ट्स में जाएंगे तो डॉल्बी बी का सपोर्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है सभी के सभी जो लेटेस्ट सुपर वॉल पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं होम स्क्रीन भी जो है आपको मीवाई का देखने को मिलता है लेटेस्ट जिसके अंदर जो है आप इसके लेआउट को फोर बाई सेवन से लेके सेवन बाई सेवनटीन तक यूज करते हैं सजेशन को इनेबल डिसेबल करते हैं ब्लर एप पर इनको आप इनेबल कर सकते हैं और वॉल में आपको लेटेस्ट जो सुपर वॉल पेपर है वो सभी के सभी जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो इवन जो थीम स्टोर है वो आपको इस टाइम पे चाइनीज का ही देखने को मिलता है बट उसमें भी आप काफ़ी सारे जो है थीम्स वगैरह को जहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे आइकन पैक्स या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो स्क्रीन है उनको यहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में यूज भी कर सकते हैं नो डाउट फिंगरप्रिंट फेस एंड लॉक परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे काम करता हुआ मिल जाता है आपको कोई भी लैग या स्लेटर जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है मी वाई ट्वेल्व का लेटेस्ट आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको स्वाइप करते ही नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैटरी का ऑप्शन आपको देखने को मिला है वो भी आपको लेटेस्ट इसमें देखने को मिला है म्यूवाई थर्टीन का जिसमें आपको पावर मोड मिल जाता है बैलेंस मोड यहाँ मिल जाता है एक नई यूवाई के साथ और साथ ही साथ, -साथ परफॉर्मेंस मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इवन जो गेमिंग मोड है वो भी आपको लेटेस्ट जो है म्यूवाई थर्टीन का यहाँ पे देखने को मिला है तो उसके लिए हम एक गेम को लॉन्च करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का लेआउट जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो ये देखिए इस टाइम पे हम BGI के होम पेज पे मैं आपको एक बार ग्राफिक्स की भी सेटिंग दिखा देता हूँ कि आप कौन कौन से मोड पे इसमें खेल पाते हैं आप स्मूथ में एक्सट्रीम बैलेंस पे भी आप एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं एच पे भी आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं HDR पे भी आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं और अल्ट्रा एच में भी आप इसके अंदर गेम्स को खेल सकते हैं गेम स्पीड पुस्टर की बात की जाए तो आपको लेटेस्ट मिलता है जिसमें आप बैलेंस मोड और परफॉर्मेंस मोड को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं आपको वॉइस चेंजर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो लेटेस्ट आपको म्यूवाई थर्टीन के अंदर देखने को मिलने वाला है वही सारे के सारे यू आई यहाँ पे देखने मिलते हैं और लेफ्ट साइड पे आपको स्लाइडर मिल जाता है जहां से आप फ्लोटिंग विंडोज को यहाँ से इजीली एक्सेस भी कर पाते हैं तो ये सारे नए फीचर्स जो हैं आपको इस रोम के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि रोम काफी स्मूथ है और लेटेस्ट इनहेंस्ड वर्जन के ऊपर बेस्ड है आपको कोई भी ब्लॉटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कोई भी फालतू तो चाइनीज एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं प्ले स्टोर का सपोर्ट जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन के अंदर कोई कस्टम रिकवरी होनी चाहिए और उसके थ्रू जो है आप अपने फोन के अंदर जो है इसको किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश करेंगे और ये सभी के सभी फीचर जो है एडवांस सेटिंग्स के अंदर इनको भी आप यूज कर सकते हैं और सभी के सभी जो नए मीवाई थर्टीन के फीचर्स आपको देखने को मिले हैं उन सबको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो बस आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि एक नया रूम जो है आपको मे इलेवन फोन के लिए यहाँ पे देखने को मिला है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय